फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देव। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल दिल्ली हाइट्स। सो आज हम पहुँचे हैं गुड़गांव सेक्टर 56। वहाँ से कवर करते हुए हम यहाँ पहुँचे। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, बहुत सी स्वीट शॉप्स हैं, जैसे दिल्ली के अंदर बीकानेर है, हल्दीराम है और ओम स्वीट्स है। सो उसी तरह गुड़गांव का सबसे बड़ा किंग जो है हमारा हरीश बेकरी है, जिसके बारे में आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा। यहाँ का सबसे फेमस जो है, वैसे तो सारी चीज़ें ही फेमस हैं यहाँ की बेकरी में। सबसे ज़्यादा जो फ्रेश बिस्किट्स हैं, पैटीज़ हैं, बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं। और अगर मैं स्वीट्स की बात करूँ, कि मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है यार, क्योंकि मैं बहुत स्वीट्स लाइक करता हूँ, तो इसलिए मेरा जो सबसे फेवरेट है वो रसमलाई है। और यहाँ की रसमलाई अल्टीमेट रसमलाई है। सो चलते हैं अंदर, एक बार देखते हैं कैसे क्या है, और आप सब लोगों को भी दिखाते हैं एक बारी। आइए गाइस। और यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है एज ऑफ नाउ, जो कोविड में हम सब को लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि भैया सैनिटाइज करेंगे हमको सबसे पहले। थैंक यू भैया, वेलकम। आइए। यहाँ पे सबसे पहले है हमारी बेकरी आइटम्स, जैसे कि केक्स अवेलेबल हैं, गिफ्ट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर हम बच्चों के लिए बात करें तो चॉकलेट्स अवेलेबल हैं काफ़ी सारी। आइए, केक पेस्ट्रीज दिखाते हैं आपको यहाँ की फेमस। यहाँ पे मैंगो केक अवेलेबल है, ब्लूबेरी केक है इनका, ब्लैक फॉरेस्ट केक है, सबसे बेस्ट केक्स। और अगर मैं आपसे लिटिल बिट प्राइस की बात करूँ, सो बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस है। जैसे मैंगो केक का आप देख रहे हैं 445, ओके। एंड इधर स्ट्रॉबेरी केक है, इसका भी 425 है। और ये हाफ के जी में सारे केक्स ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं रॉयल वेलवेट केक है, वो 1000 रुपीज़ है पर के जी। एंड आगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, स्वीट्स के बारे में मेन बताना चाहूँगा, जो यहाँ की सबसे फेमस है। मेन स्वीट्स में है लड्डू, लड्डू में बनारसी है, जोधपुरी है, मोतीचूर का लड्डू है। फिर आप देख रहे हैं गुजिया केसर वाली, ये भी अवेलेबल है हमारे पास। हेलो लड्डू। देन आगे जो मेन गुड़गांव का सबसे मेन स्वीट्स में आता है, वो है हमारा डोडा, अल्टीमेट यहाँ था वो भी। देन आगे हमारी प्लेन कोकोनट बर्फी। अब आती है मेन स्वीट्स, जिसके लिए मैं आप सबको यहाँ लेकर आया हूँ। वो है सबसे पहले बंगाली में आती है हमारे रसगुल्ला, सबसे ज़्यादा फेमस है। देन फिर रबड़ी आती है, और जो मेन यहाँ का फेमस है वो है हमारा रसमलाई, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ आज। बेस्ट रसमलाई है, मालपुए हैं, मूंग दाल हलवा है। और यहाँ पे अगर आप कुछ देखना चाहेंगे और अगर बेस्ट देखना चाहेंगे, तो कुछ चीज़ें इसमें और आती हैं, नमकीन्स वगैरह हैं, अगर आप वो भी देखना चाहें। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता रहा था, स्वीट्स काफ़ी अच्छी अवेलेबल हैं। एक बार आइए, भैया भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और क्या सेल सबसे ज़्यादा होती है। सो भैया आप एक बार बताइए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पॉपुलर चीज़ें और सेल होती है? डोडा है। ओके भैया, थोड़ा सा तेज बोलिए, हमारे सभी ऑडियंस को सुनना है प्रॉपरली। डोडा है एंड मिल्क केक है, रेवाड़ी बर्फी हो गई, और पिस्ता बर्फी हो गई, लड्डू में मोतीचूर फेमस है। ओके, और टाइमिंग से एक बार बताइए, क्या टाइमिंग से यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग का कितने बजे तक ओपन होता है? मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ओपनिंग होती है इसकी, शाम को 10 बजे क्लोज हो जाती है। और कोई डे क्लोज हो ऐसा कुछ नहीं है, 7 डेज ओपन, 365 डेज। ओके, दैट्स ग्रेट भैया। और रबड़ी का कुछ सबसे ज़्यादा यहाँ पे सुना है, जैसे कि रबड़ी रसमलाई के बारे में बताइए। हाँ, बंगाली स्वीट्स में चमचम हो गया, चना टोस्ट हो गया, ठंडा आइटम है उधर रबड़ी रसमलाई है। ओके, भैया टेस्ट कराएंगे रबड़ी या रसमलाई में से कुछ, जिसके मैं ऑलरेडी सबको बताई चुका हूँ, एक बार टेस्ट कराना है। एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा फ्लेवर है, और फिर आप लोगों को भी बताते हैं अभी। तो ये सबसे जो मेन भैया बता रहे थे अभी यहाँ पे रबड़ी, उसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा प्रॉपरली। ये हमारी रबड़ी है, प्रॉपर थिक है, फ्रेश है कलर वाइज। बाकी रस टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। फ्लेवर अच्छा है, फ्रेश फ्लेवर है, एक रिच सा स्वीटनेस है, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा कम है, एक एवरेज जो हम सब लोगों को पसंद होता है। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो भी इसको ईजिली खा सकते हैं, कहीं कोई इश्यूज़ नहीं है।
प्रॉपर है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हरीश बेकरी को कवर करने के बाद मुझे कुछ आपको और भी दिखाना है जिसको हम आज कवर अप करने के लिए आए हैं। सो मैं अभी एज ऑफ नाउ खड़ा हूँ द्वारका सेक्टर 109 एक्सप्रेस वे हाईवे पे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ, अभी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है जो डेवलप एंड ऑफ दिस ईयर तक हो जाएगा। अगर आप कभी भी इन बिटवीन विजिट करते हैं, एंड ऑफ दिस ईयर विजिट करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेवलप मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ की बात करूँगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो टी पॉइंट से राइट का रास्ता जा रहा है दोस्तों, वो हमारा जा रहा है गुड़गांव के लिए, सदर बाजार मार्केट के लिए, जिसके लिए मैं वहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया था हरीश बेकरी को हमने कवर अप किया था। वहाँ से यहाँ के डिस्टेंस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ओनली 2 किलोमीटर है, हार्डली उससे ज़्यादा नहीं है अपने व्हीकल से। और अगर इसी टी पॉइंट से मैं आपसे अगर लेफ्ट के लिए बात करता हूँ, तो ये रास्ता जा रहा है सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन के लिए, दिल्ली में यहाँ से प्रॉपर एंट्री हो जाएगी। ये हार्डली पड़ता है सिर्फ 5 किलोमीटर के डायमीटर पे। और एज ऑफ नाउ जो मैं खड़ा हूँ, जिसके बारे में आपको मेन बताने जा रहा हूँ, कॉन्सर्ट 1 मॉल है हमारा जो नियर अबाउट है सेक्टर 109 के। यहाँ पे जो मेन सोसाइटीज़ हैं, जो टॉप मोस्ट पॉश एरिया की सोसाइटीज़ हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि शोभा डेवलपर है और ATS है, चिंटल्स है, सिग्नेचर्स, M3M, ये सारा है यहाँ पे प्रॉपरली। मेरे काफ़ी नॉन्टूज भी हैं जिनके यहाँ पे ऑलरेडी विलास भी हैं सोसाइटी में, उनके खुद के घर भी अवेलेबल हैं। और कुछ है मेरे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर कॉन्सर्ट 1 की बात करूँ, तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी जो कवर हो चुका है, जो अभी ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है, लंसकार्ट एक आउटलेट खुल चुका है, ग्रीन चीक आउटलेट ओपन हो चुका है। और अभी आने वाले के दिन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पे बिग बाजार आने वाला है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए, PVR भी आई थिंक ओपन होने वाला है। सो और बाकी अभी तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मौसम काफ़ी ज़्यादा मस्त और सुहाना हो रखा है। आप लोग तो आई थिंक घर पे चाय पकौड़ों का मज़ा ले रहे होंगे, पनीर के पकौड़े, आलू प्याज के पकौड़े चल रहे होंगे। बट मैंने सोचा कुछ दोस्तों के लिए आज कवर करना बनता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और कोविड भी आई होप थोड़ा सा सेटल डाउन हो चुका है दिल्ली NCR में, और गॉड ग्रेस जल्दी से जल्दी जो कुछ बाकी का भी है वो भी सेटल डाउन हो जाए और हम सब लोग अच्छे से इन्जॉय कर पाएँ। तो बाकी मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा आगे कुछ, एक बार शॉप भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि थोड़ी सी मूवमेंट है यहाँ पे अभी इस एरिया में। ये देखिए, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन चीक अवेलेबल है, ठीक है, साथ में एडिसन ऑप्टिक्स का है शोरूम प्रॉपरली, ठीक है। और भी काफ़ी ऑप्शंस आने वाले हैं। ये जैसे कि यहाँ से प्रॉपर कॉन्सर्ट मॉल की एंट्री हो रही है, ठीक है। अभी आप देखेंगे काफ़ी सारी शॉप्स अवेलेबल हैं, रेंट पर्पज़ से चाहिए हो या अपनी ओन प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी है सेल परचेज करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ऑलरेडी अगर मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक बारी, अगर थोड़ा सा दिखाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा कवर होकर ब्लैकटॉप हो चुका है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मतलब मुझे फ़ील होता है, मैं ऑलरेडी अभी दिल्ली में सेटल हूँ, दिल्ली में मेरा रेसिडेंट एरिया है, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी बहुत अच्छी है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों का कुछ भी प्लानिंग है अपकमिंग 6 मंथ्स के अंदर कवर करने के लिए या लेने के लिए कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हर एक सोसाइटी के साथ आपको ग्रीन जोन प्रॉपरली मिलेगा। सो अब आगे चलते हैं, तो आगे मैं आपको थोड़ा सा शोभा डेवलपर्स वगैरह के विलास सोसाइटीज़ और जो चिंटल्स के सोसाइटीज़ हैं, मैं वो कवर अप करना चाहूँगा और वो भी आपको दिखाना चाहूँगा ऑन द वे। सो आइए गाइस, देखते हैं आगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अब हम आगे जा रहे हैं सेक्टर 109 के लिए, जो आगे और कवर अप करेंगे, जिसमें जो हमारी शोभा के विलास हैं, चिंटल्स के हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। और मौसम का तो मज़ा ले रहे हैं आप, घर पे ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा बाहर ले रहा हूँ। आइए देखते हैं आगे क्या मज़ा आता है। सो जैसे कि अभी मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता रहा था कि सेक्टर 109 जो मेन है हमारा, जो कि मैं आपको बताने वाला था कि शोभा डेवलपर्स है, कैलिडियम है, और लेफ्ट साइड में ही मेरे शो कर रहे हैं ये चिंटल्स का है, ठीक है। ये सारी सोसाइटीज प्रॉपर्ली लेट सेटल हो चुकी हैं, बाकी भी यहाँ पे आ चुकी हैं। ये हमारा जो मेन है कैलिडियम का है, ठीक है। और जैसे कि आप ये रोड पे देख पा रहे हो, प्रॉपरली वर्क कर रही है, फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, ठीक है। पीछे फ्रूट मार्केट्स हैं, वेजिटेबल मार्केट्स अवेलेबल हैं, बाकी आइए आगे देखिए। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था दोस्तों कि यहाँ से जो अंदर हम आएंगे, ये जो आप ये देखने आने का
शोभा के विलास हैं, ठीक है। यहाँ पे दो प्राइवेट स्कूल्स हैं, फिर आगे आते हैं यहाँ पे एक सोसाइटी है जो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। लेफ्ट साइड पे जैसे आप मैंने देख रहे हैं, ठीक है, ये OSB के नाम से सोसाइटी है, काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। इसकी पोजीशन इस साल के एंड तक या मोस्ट प्रॉब्ली जैन या फेब तक आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और शोभा के विलास के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये इनका पूरा एंटरटेनमेंट का एक तरह से क्लब है, ठीक है, जहाँ पे स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन का है ग्राउंड, ठीक है, कम्युनिटी हॉल है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। सो और अगर मैं यहीं से बताना चाहूँगा, एक और सामने ATS है, सामने एक सोसाइटी और दिख रही होगी आपको। ये सारा एक तरह से प्रॉपर पॉश एरिया है, जैसे दिल्ली में हम लोग साउथ दिल्ली वगैरह जैसे हम देखते हैं, उस टाइप का आपको पूरा यहाँ पे प्रॉपरली वही पॉश एरिया मिलेगा, ठीक है। एक भी और है यार, मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, यहाँ से आप टी पॉइंट से लेफ्ट लेंगे तो ये रास्ता भी हमारा दिल्ली के लिए जाता है, द्वारका सेक्टर 21 के लिए, ठीक है, सेक्टर 21 के लिए जाता है, तो वो भी ऑलमोस्ट वही पड़ता है, 5-4 किलोमीटर के ही डायमीटर पे ही है, ठीक है, वहाँ से सेक्टर 21 से स्टार्ट हो जाता है। देन अभी हम इस व्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं, और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अगर कहीं भी कुछ भी लगता है, कुछ अच्छी और आप लोगों को बताना चाहें तो आपको ज़रूर बताएं, जिससे हम कवर अप करें आगे चल के, ठीक है। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे मंदिर की बजाते हैं उसी तरह बस हमारे इसी ब्लॉग की भी घंटी बजा देना, तो हमें पता चल जाएगा कि दोस्त सारे हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और देना चाहते हैं आगे। और बहुत जल्द मिलेंगे दोबारा एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।